हाँ तो आगे तुम लोग आना ही था, क्योंकि आज हम जाएंगे सलमान भाई की एक ऐसी नगरी में जिसमें फिजिक्स ना के बराबर होता है, डांस टॉयलेट के बराबर होता है, और कॉपी तो सलमान भाई लेजेंडरी तरीके से करते हैं। और हाँ, आई डोंट नो, हो सकता है कि इस नगरी में जाने के बाद तुमको सलमान भाई का असली रूप देखने को मिले, क्योंकि सलमान भाई इज अ हैवी ड्राइवर ना। तो आज इस वीडियो में हम सलमान भाई के एक नए गाने के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है झूम झूम। हाँ, नाम थोड़ा सा वियर्ड सुनाई पड़ता है, पर एक बार तुम सोच के देखो कि गाने का नाम ऐसा है तो गाना कैसा होगा। खत्म। एंड वन स्मॉल मैसेज फॉर सलमान भाई फैंस कि इस वीडियो में हम इनके गाने और खुद सलमान भाई को क्रिटिसाइज करने वाले हैं, क्योंकि इस चीज को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो ये लोग ऐसे ही हकते रहेंगे और अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे। सो क्रिटिसाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? और ये भी सुनो कि मैं सलमान भाई से हेट वेट बिल्कुल नहीं करता, तो गाली वाली देना लेकिन थोड़ा प्रेम से। तो चलो सल्लू भाई के अंदर थोड़ा डीप में घुसते हैं और शुरू करते हैं अपनी मजदूरी बिना किसी कंटेंट के। अबे साले। तो भाई ये गाना स्टार्ट होता है एक यूजलेस ट्यून से जो हमारा 20 सेकंड ऐसे ही पेल जाता है। उसके बाद हमारे सलमान भाई आते हैं एक हाथ से हैवी ड्राइविंग करते हुए। अब आगे तुम देखो। देखो भाई, इस गाने का पहली लाइन है कि आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा क्यों लगे कि मुझे प्यार हो गया, जो मिली है तू बाय गॉड मैं तो स्टार हो गया। हाँ यही लाइन है, चाहे तो तुम पीछे जाके फिर से सुन सकते हो। पर मुझे सलमान भाई से सिर्फ एक सवाल पूछनी है कि सलमान भाई आप मुझे ये बताइए कि कहीं आप टोनी कक्कर से मिले तो नहीं थे, या फिर वो आपसे मिला तो नहीं था? और अगर आप मिले थे तो थोड़ा चेक कीजिए कि कहीं कूले पुस ने आपको काटा तो नहीं, क्योंकि लक्षण तो साफ साफ दिख रहे हैं टोनी कक्कर वायरस का। मतलब ये क्या लाइन होता है, बाय गॉड मैं स्टार हो गया? साला लिरिक्स लिखा गया या टोनी कक्कर के लिए लव लेटर? बहनचोद आंख है ये DSLR जो फोटो खींचे ही जा रहा है भाई। नहीं यार, एक बार फिर से तुम इस गाने के लिरिक्स देखो। चले किधर आंखों के नीचे जाए इधर। अरे भाई, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर हमारे दिमाग का भोसड़ा क्यों कर रहे हो भाई? बहुत तकलीफ होती है। और तो और, अभी आगे का भी लिरिक्स है, ये देखो। मैं चलू पीछे मेरी नजर पिक तेरी खींचे, ये करके जूम जूम तेरी सेक्सी आंखों में। Somebody please record the lyrics भाई, क्योंकि सलमान भाई की मूवी में फिजिक्स नहीं होता है ये तो पता था, पर इनके गाने में लॉजिक और सेंस भी नहीं होता है ये तो आज पता चला। बंद कर। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, सलमान भाई इस गाने में स्टेप की माँ बहन तो नहीं की, तो रुको जरा, सबर चाटो और ये देखो। नहीं, अब बताओ आप क्या बोलोगे? साला ऐसा लग रहा है कि कोई गिरगिट अपना गर्दन हिला रहा है बहनचोद। हाँ, वो बात अलग है कि सलमान भाई के फैंस को ये स्टेप भी स्वैग वाला लगेगा, बट यू गाइस नो ना कि टांगों के बीच के बाल और सलमान भाई के फैंस को समझाना और सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। अरे सलमान भाई, हुआ है इससे पहले भी आपको फील हुआ है? याद करो वो दिन जब ऐश्वर्या राय आपकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और चलो वो दिन याद नहीं है तो कैटरीना दीदी वाला दिन तो याद होगा क्या? वो भी याद नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, तो लूलिया दीदी वाले मैटर में तो फील हुआ होगा? नहीं। अच्छा ठीक है, आई एम रियली सॉरी। तो भाई सलमान भाई ने यहाँ प्रूव कर दिया कि ही इज द सख्त बुड्ढा, बट यहाँ पे ये दिशा पटानी को देख के पिघल गए। साला ये दिशा पटानी का कुछ करना पड़ेगा भाई, नहीं तो सलमान भाई सच में इसके चक्कर में पिघल जाएंगे। विनोद, टाइगर श्रॉफ को फोन लगा के दे। ओके मालिक, अभी लीजिए। हेलो टाइगर श्रॉफ, ये अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ भाई, क्योंकि वो सलमान भाई के साथ खुले रोड पर नाच रही है। क्या करो यार, सबकी आती नहीं है और उसकी जाती नहीं है। अरे भाई, जिसके साथ वो नाच रही ना उसकी चली जाएगी वर्जिनिटी। हाँ जी, कुछ खास नहीं था ये गाना और सलमान भाई से ये उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जैसा कि तुमको पता है कि ये इतने बड़े सुपरस्टार हैं और लोग इनसे कुछ ज्यादा की उम्मीद रखते हैं, पर ये क्या करते हैं, जनता को टट्टी परोस देते हैं। और आई नो कि हर चीज को क्रिटिसाइज करना सही नहीं होता, पर कुछ ढंग का तो करो भाई। ये क्या मिठाई के नाम पे हमें ये मिठाई पकड़ा रहे हो? साला इस गाने में गिन के सिर्फ 100 वर्ड्स होंगे और मैं तो इतना भी ज्यादा बोल रहा हूँ, पर फिर भी सलमान भाई प्लीज प्लीज कुछ अलग कीजिए, नहीं तो आपके गाने का इंसल्ट करने के लिए मैं भानु प्रताप से उल्टी करवाता रहूंगा, वो भी खून की। भानु प्रताप
तो भाई ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी, और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय। विनोद 3-4 दिन तक फुटपाथ पर ना सोइयो, क्योंकि सलमान भाई को मैंने बता दिया कि स्क्रिप्ट तूने ही लिखा है।